सच्चाई ये है कि नई संसद की शुरुआत महिलाओं के अपमान के साथ शुरू हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने भाजपा का जो परंपरा है, महिलाओं का अपमान, महिला शोषण, महिला उत्पीड़न, महिला को प्रताड़ित करना, ये उन्होंने जो भाजपा की जो परंपरा है, इस पर भाजपा की जो परंपरा है, इस परंपरा को जिंदा रखने का काम किया आज मोदी सरकार। और मोदी के नए सांसद में जैसे ही प्रवेश किया है, उसमें आज ये दिन हम सभी के लिए, देश की महिलाओं के लिए एक काला दिन है, क्योंकि जैसे मेरे साथी ने, सुप्रिया जी ने, उनकी एक एक लफ्ज में सच्चाई है। सच्चाई सच्चाई ये है कि जिस तरीके से देश की बेटियों के साथ, देश की गौरव के साथ, और दुख के की बात यह है कि जिस इंसान ने एक कबार कभी उनको गलती से बेटी पुकारा, कभी जिंदगी में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग किसी को बेटी कह के पुकारे। उस बेटी के साथ और उन बेटियों के साथ जो हुआ है वो आज किसी से नहीं छुपा है, देशवासियों से भी और देश के बाहर रहने वाले लोगों से भी नहीं छुपा है। आज का दिन भारतीय इतिहास में महिलाओं के लिए, खास करके जिस तरीके से भारत के गौरव को जिन बेटियों ने अपने सीने पे मेडल्स लेके आए, उन बेटियों के सीने पे पुलिस के जूते, उन बेटियों को रगड़ा गया, खींचा गया, और उन बेटियों के हाथ में देश का झंडा था। कोई तालिबानी नहीं थे वो लोग, देश के झंडा के साथ आज अपमान हुआ है। बेटियों के हाथ में झंडा था, झंडा तक गिर गया। बेटियों, अगर मैं दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं, देश के झंडा को ऐसे गिराने का कोई उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले उन सभी पुलिस लोगों पे, सभी पे, और जिन्होंने उनको वहां पे आदेश दिया है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के झंडा को अपमान का अपमान सरे आम जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा हो, देश के बेटियों के साथ साथ देश का झंडे का भी अपमान हुआ है, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है, जिस तिरंगे के लिए देश के लोगों ने, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने आजादी लड़ाई लड़ी है। आज उन सभी की जो खून उन्होंने देश के लिए बहा है, उनका अपमान आज हुआ है। एक और इनका अपमान, और दूसरी ओर संसद के अंदर यही ब्रजभूषण में पूछना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी से कि क्या लोकतंत्र यही है? क्या आज एक अपराधी सदन के अंदर और दूसरी ओर बेटियों पे, जो उनके आदेश के हिसाब से दिल्ली पुलिस ने किया है, क्या बेटियों के अपराधी बीजेपी सांसद की मौजूदगी लोकसभा के अंदर, नए लोकसभा के अंदर, क्या यही मोदी जी का न्यू इंडिया है? न्यू इंडिया के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। देश की जनता, देश की महिलाएं, देश की बेटियों के लिए, देश की बेटियां जो हैं अब बहुत जल्द एक होने वाले हैं। और आज मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूं कि देश के कोने कोने में जिन बेटियों ने ये देखा है, जिन माओं ने ये देखा है, वो कतई चुप नहीं बैठेगी। और यहीं से इन लोगों की, भाजपा सरकार की जो तानाशाही का अंत होने के जो दिन है वो नजदीक आ रहे हैं। ये देखिए, बेटी के साथ साथ देश के झंडे का अपमान, भारत के तिरंगे का अपमान है ये, भारत के तिरंगे का अपमान, भारत की बेटियों के साथ साथ देश की एक भी बेटी सहन नहीं करेगी। मोदी जी, मोदी सरकार, मैं इस माध्यम, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के कोने कोने में बैठे हुए बेटियां हैं, माताएं हैं,
और देश की जनता से कहना चाहती हूं, आज अगर ये बेटियां जो एक वक्त पे जिनके लिए इसी प्रधानमंत्री जी ने रेड कार्पेट वेलकम किया, आज अगर उनके साथ ये हो सकता है तो आम बेटी के साथ क्या हो सकता है। उठो, जागो, यह वक्त आ गया है। भगवान न करे कल ये हम में से किसी की बेटी हो या हम में से कोई हो, अब वक्त है एक होने का।